बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं अवैस अकरम, universitiespay.com की तरफ से आपसे मुखातिब हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, हमारा कंसल्टेंसी चैनल है जिसमें हम स्टूडेंट और विज़िट वीज़ा के हवाले से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं आपको। और आपने अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको फ्यूचर में मज़ीद मालूमाती वीडियोस मिलती रहें। आज मैं आपको यूरोप के एक और कंट्री के बारे में बताऊंगा, शेयर कराऊंगा, रिपब्लिक ऑफ ऑस्ट्रिया और कॉमनली नाउन एज ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया की जो करेंसी है यूरो है, कैपिटल वियना और लार्जेस्ट सिटी है, हाईली डेवलप्ड और सक्सेसफुल कंट्री है, यूरोप का इंटेग्रल पार्ट है। शेंजन वीज़ा प्रोवाइड करता है जिसकी बेस पर आप ऑलमोस्ट पूरे यूरोप, जिसमें तकरीबन 26 कंट्रीज आ जाती है, सब में ट्रैवल कर सकते हैं। ऑस्ट्रिया की ऑफिशियल लैंग्वेज जर्मन है और इसके साथ साथ ऑस्ट्रियन भी काफ़ी हद तक बोली जाती है। एवरेज टेम्परेचर गर्मियों में 20 डिग्री से 40 डिग्रीज तक जाता है और सर्दियों में -10 से लेकर 0 और 1 तक जो है एवरेज टेम्परेचर रहता है। शेंजन वीज़ा प्रोवाइड करता है। इसके अलावा अब मैं आपको बताता हूँ स्टूडेंट्स को जो बेनिफिट हैं ऑस्ट्रेलिया में एजुकेशन के, वो और जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं, प्रोसेस है, उन सब के बारे में बताऊँगा। बेनिफिट्स, आपको नॉर्मली पार्ट टाइम जॉब अलाउड होती है, आइल्स जो हैं वो नेसेसरी नहीं है, 50-50 है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ आपको विदाउट आइल्स भी अलाउ करती हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो हैं उनमें आइल्स मस्ट है, जिसमें आपका स्कोर 6 और 6.5 के अबव होना चाहिए। इसके अलावा ग्रेजुएशन के बाद आपको 1 साल का वर्क परमिट भी दिया जाता है। एजुकेशन के दौरान आप अपनी फैमिली को साथ लेके जा सकते हैं और ऑस्ट्रिया का जो एजुकेशन है वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड है, तो डेफिनेटली आप के पास मौका है ऑस्ट्रेलिया में पढ़ने का, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ एजुकेशन से रिलेटेड जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं और प्रोसेस क्या है। इनटेक्स, ऑस्ट्रिया में 2 जर्नल इनटेक्स हैं। फर्स्ट इनटेक जो है वो उसका स्टार्ट मार्च में होता है प्रोसेस, और उसकी जो क्लासेस हैं वो अक्टूबर में स्टार्ट होती हैं, और जो सेकेंड इनटेक है उसके जो है सितंबर में डॉक्यूमेंटेशन स्टार्ट होती है और आपकी जो क्लासेस होती हैं नेक्स्ट फरवरी मार्च में होती हैं। आप एजुकेशन के लिए वहाँ जो है ऑलमोस्ट फ्री या वेरी लो फीस के साथ पढ़ सकते हैं, वहाँ ट्रैवल कर सकते हैं। एवरेज फीस जो है वो स्कॉलरशिप्स के साथ 300-400 यूरो से लेकर 700-800 यूरो तक है। इसके अलावा जो सेकंड ऑप्शन है वो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ की स्कॉलरशिप्स हैं, जिसमें पार्शल और फंडेड स्कॉलरशिप्स आ जाती हैं, वो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ डिफरेंट जो है प्रोवाइड करती हैं। इसके अलावा थर्ड ऑप्शन जो है आपके पास वो है पेड। पेड तरीके से भी आप ऑस्ट्रिया में एजुकेशन हासिल कर सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, अराउंड $3,000 से लेकर $7,000 to $8,000 जो है पर ईयर इसके एक्सपेंसेस हैं। मीडियम जो है लैंग्वेज वो है इंग्लिश, और इसके लिए जैसे कि मैंने आपको पहले बताया आइल्स की ज़रूरत नहीं है, तो प्रोफिशिएंसी लेटर इज़ इनफ। क्राइटेरिया, ऑस्ट्रेलिया आपको तीनों लेवल्स बैचलर्स, मास्टर्स और पीएचडी में एडमिशन प्रोवाइड कर रहा है, जिसका क्राइटेरिया बैचलर्स के लिए आपके पास 12 इयर्स एजुकेशन होना मस्ट है, 10+2, और आपके जो मार्क्स हैं वो 60% से ज़्यादा होना चाहिए। मास्टर्स के लिए आपकी 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन और 60+% मार्क्स वो रिक्वायर्ड हैं। इसी तरह पीएचडी के लिए आपकी 18 इयर्स ऑफ एजुकेशन, जिसमें आपकी CGPA 2.5 से अबव हो तो वो ज़्यादा बेहतर है। अगर आप ये सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी करते हैं तो आपके पास एक अच्छा चांस है ऑस्ट्रिया में एजुकेशन हासिल करने का।
हाउ टू अप्लाई, अप्लाई कैसे करना है मैं आपको वो बताता हूँ। नॉर्मली ऑस्ट्रिया का जो एप्लीकेशन प्रोसेस है वो थोड़ा डिफरेंट और लेंथी है, जिसमें आप सबसे पहले इनिशियल डॉक्यूमेंट के साथ अप्लाई करते हैं और इनिशियल जो है वो अप्रूवल हासिल करते हैं यूनिवर्सिटी से। इसके बाद आपको जो अपने सारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको ऑस्ट्रियन एम्बेसी में प्रोवाइड करने होते हैं लीगलाइजेशन प्रोसेस के लिए, जिसकी जो है वो डिफरेंट फी है जो आपको पे करनी पड़ती है। सारे डॉक्यूमेंट्स लीगलाइज कर होने के बाद आप दोबारा जो है वो डॉक्यूमेंट्स यूनिवर्सिटी को फॉरवर्ड करते हैं और यूनिवर्सिटी जो है आपकी वो फाइनल जो है एडमिशन लेटर आपको सेंड कर देती है। तो इसके बाद आप एम्बेसी जाते हैं अपनी जो है एप्लीकेशन को नेक्स्ट मूव करने के लिए, वीज़ा लगवाने के लिए। पासपोर्ट मिनिमम 6 मंथ्स की वैलिडिटी के साथ, जिसपे 2 से 3 एम्प्टी पेजेस मिनिमम होने चाहिए ताकि आपका जो है डिसीजन जो है उसके ऊपर पेस्ट किया जा सके, अपडेट किया जा सके। पिक्चर्स वाइट बैकग्राउंड के साथ, आपके सारे एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेड और लीगलाइज्ड। अटेस्टेड जो आप अपने कंट्री से करवाते हैं और लीगलाइज जो आपने अपने कंट्री से ऑस्ट्रियन एम्बेसी से करवाए हैं वो। फिर रेकमेंडेशन लेटर्स, रिसर्च प्रपोजल, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर, FRC, मेडिकल, आपका CV, ये सारे जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। और फाइनेंशियल रिलेटेड आपको प्रूव करना होता है कि आप इनफ जो है फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हैं, तो जिसके लिए आपको बैंक स्टेटमेंट प्रोवाइड करनी होती है और इससे रिलेटेड NTN टैक्स रिटर्न्स जो है वो सारे आपको प्रोवाइड करने होते हैं। रनिंग में जो बैंक स्टेटमेंट होती है वो हमेशा जो है वो ज़्यादा वैलिड होती है, उसकी वर्थ ज़्यादा होती है। सारी मालूमात जानने के बाद अगर आप ऑस्ट्रिया में अप्लाई करना चाहते हैं या आपको मज़ीद कोई इंफॉर्मेशन दरकार है इस मामले में, तो आप हमसे राबता करें, हम आपके डॉक्यूमेंट्स की फ्री एवेल्यूएशन करेंगे और क्राइटेरिया चेक करेंगे कि आप किस यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं और कौन से कोर्सेज आपके लिए ज़्यादा फिजिबल हैं। किसी भी फर्दर डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी तो हम आपकी उस बारे में भी प्रॉपर रहनुमाई करेंगे। शुक्रिया।